अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नारियल और पुदीने की चटनी। तो इसके लिए हमने आधा नारियल ले लिया है, या आधा नारियल है जो हमने ले लिया है। इसमें जाएंगे ये लहसुन हमने ले लिया है, 12 से 15 कली लहसुन है जिसे छील लिया है। ये एक मीडियम आम है, वो खटास जो बोलते हैं उसके लिए हमने आम लिया है। और इसमें हमने 4 मिर्ची हद डालेंगे, ये बहुत तेज़ मिर्ची है, मिर्ची आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये अदरक के 2 टुकड़े लिए हैं छोटे छोटे वाले। ये एक बंच पुदीना का ले लिया है हमने, आजकल पुदीने बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम फ्रेश पुदीना है ये। इसको हमने धोया नहीं है अभी, इसे साफ़ किया है, अभी हम इसको धो के ले लेंगे। ये नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। चलिए ये सब चीज़ को अभी हम पीस लेते हैं मिक्सर में। इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं हम, और इसमें हमने ये नारियल को लिया था, इसे काट लिया है, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। अब ये नारियल डाल देते हैं, इसके अंदर आम डाल देते हैं, मिर्ची लिए थे वो भी डाल देते हैं इसके अंदर, अदरक के टुकड़े डाल देते हैं, और ये लहसुन। ये सब चीज़ डाल के हम मिक्सी में अभी इसे घुमा लेंगे। अभी हमने इसमें सब चीज़ डाल के पीस दिया, अब थोड़ा थोड़ा पुदीना डालेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पुदीना डाल के हम इसे पीसेंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको पीस देंगे।